सुल्तानपुर पुलिस पर खड़े हुए सवाल। मौत के बाद मुकदमा न लिखने का लगा आरोप। लगातार हुए 3 मामलों से कार्रवाई पर उठे सवाल। सुल्तानपुर में पिछले 1 महीने से कुछ ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने पुलिस पर काफी सवाल खड़े कर दिए। ये मामले मौत और मुकदमे के बीच झूलते रहे। यहाँ 2 मामलों में प्रोटेस्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया गया और अब 3रा मामला भी कुछ ऐसा ही नजर आया। नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सुल्तानपुर में एक शव का अंतिम संस्कार रोक दिया गया। यहाँ पहले ही बघराजपुर और जयसिंहपुर में हुई मौतों पर शव रखकर प्रदर्शन करने के बाद मामला दर्ज हुआ और अब फिर से एक ऐसा ही मामला पेश आया है। जानकारी के मुताबिक कुरेभार में एक परिवार शव को सामने रखकर मुकदमा लिखे जाने की मांग करता रहा, तब जाकर कहीं उनकी सुनवाई हुई। बताया जा रहा है कि मामला बीते 21 अक्टूबर की रात का है। यहां बाबूराम वर्मा नाम के शख्स अपनी टेंट हाउस की दुकान में लेटे हुए थे। पुरानी रंजिश को लेकर उन पर गांव के ही गंगाराम और उनके बेटे कुलदीप ने जानलेवा हमला कर दिया। आनन फानन में परिवार बाबूराम को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां इलाज के बाद उन्हें डॉक्टर्स ने वापस घर भेज दिया। थोड़ी देर बाद उनकी हालत फिर बिगड़ी तो परिवार ने उन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कराया। यहां से जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने उन्हें गंभीर हालत के चलते लखनऊ रेफर कर दिया और लखनऊ में ही इलाज के दौरान बाबूराम ने दम तोड़ दिया। मामला 21 तारीख को हमारे पिताजी टेंट हाउस पे सो रहे थे, खाना वाना खा के गए घर पे सो रहे थे और पड़ोसी दुकानदार कुलदीप और गंगाराम दीवार कूद के गए और जो है डंडे लाठी से मारने लगे। हमारा पूरा परिवार घर पे था। तो इलाज उलाज कहाँ पे? पुलिस आई तो हम थाने ले गए पिताजी को, वहाँ से ब्लॉक ले गए। ब्लॉक पे जो है वो कर दिए, जिले के लिए रेफर, जिले गए, जिले से लखनऊ के लिए कर दिए रेफर। वहाँ सरकारी अस्पताल में गए, कहीं बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला और उसके बाद में हम मजबूर होके प्राइवेट अस्पताल में। बाबूराम के बेटे ने हत्या का केस दर्ज कराने की मांग की, लेकिन कुरेभार पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। बाबूराम के बेटे का आरोप है कि उन्होंने जब पुलिस से मुकदमा दर्ज कराने कहा तो पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने शव का अंतिम संस्कार ही रोक दिया। बाबूराम के बेटे का कहना है कि जब तक उनके पिता के लिए मुकदमा नहीं लिखा गया तब तक उन्होंने शव को किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। जानकारी के मुताबिक इसके पहले कोतवाली नगर के बघराजपुर में रहने वाले दीपक के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, जिसे परिवार ने हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराने के लिए शव को सामने रखकर प्रदर्शन किया, तब जाकर कहीं उनकी सुनवाई हुई। इसके अलावा सेबरी बाजार में अवरनाथ नाम के युवक की मौत पर भी परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराने के लिए बांदा टांडा हाईवे पर प्रदर्शन किया था। इन मामलों ने सुल्तानपुर पुलिस की काफी किरकिरी कर रखी है और इनसे ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर मुकदमा दर्ज कराने के लिए किसी भी पीड़ित परिवार को ऐसे कदम क्यों उठाने पड़ रहे हैं। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू और अफजल खान ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।